हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिब्स कलेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुराने दुपट्टे से आपके फ्रेंड्स अपने घर के लिए किसी के लिए भी मोटिवेशनल थॉट। तो आपको कोई भी ऐसे एक फ्रेम लेके, पुराने दुपट्टा है, पुराना कपड़ा या ब्लाउज पीस है, उसको फ्रेम में लगा के कोई भी एक मोटिवेशनल थॉट लिखना है उस पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डोंट डू इट DONT, DONT, AND DO IT। अब इस टाइप से आप कोई भी छोटा मोटा एक मोटिवेशनल थॉट लिख सकते हैं जो आप अगले को गिफ्ट करना चाहें या अपने लिए घर में लगाना चाहें। बहुत इजीली तैयार होने वाला है ये आपके नियर डियर एंड फ्रेंड्स के लिए। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखा रहे हैं कि हमने जो भी लिखा है उसको पहले हम किसी भी एक सिंपल ऊन को सुई में लेके उससे बिल्कुल कच्चा टाँका करते हुए उसके ऊपर एक बार फिरा लेना है। तो कैसे फिराएंगे? बिल्कुल नॉर्मल कच्चे टाँके की तरह, जैसे घर में आप नॉर्मल सिलाई करते हैं, थोड़ा सा कपड़ा लिया, थोड़ा सा छोड़ा, इस तरीके से बिल्कुल कच्चा टाँका करते हुए ऊन से आप एक बार पूरे आपके स्पेलिंग पे फिराते हुए चले जाएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बस आपको बहुत, तो इस तरीके से हमें कच्चा टाका करते हुए चले जाना है पूरी स्पेलिंग पे। एक बार आप ऐसे ही सिंपल करते जाएंगे और आप जिस भी पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं या जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसके लिए आप, या अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, तो आप ये सोचते चलिए कि इससे आपको वो मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ये फील करते हुए इसको बनाइए तो इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके साथ आपके वाइब्रेशंस भी काम करेंगे, पॉजिटिविटी भी काम करेगी, आपका वर्क तो अच्छा लगेगा ही जिससे आप मोटिवेट होंगे। ब्लड प्लस इसके साथ जो आप सोच रखते हो, जो आप फील करते हो, वो वाइब्रेशंस भी इसमें लगातार आपके जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करके और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने पूरे स्पेलिंग पे कच्चा टाका लगा लिया है और थोड़ा सा है ये भी मैं आपको दिखाते हुए बनाती जा रही हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो सोचते हैं आपके साथ वही होता है। जितना आप पॉजिटिव लेके चलते हैं, जितना आपकी थिंकिंग अच्छी होती है, आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, उतना ही आपके साथ अच्छा होता है। बट अगर आप हमेशा ये सोचेंगे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो श्योर एंड सर्टेन कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होना है, तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहिए और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई कहता है कि ये आपके बस की बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में लाइए कि क्यों नहीं, जब दुनिया में कोई और कर सकता है तो वाई नॉट मी। और इस चीज़ को सोचते हुए आप आगे बढ़िए और उस चीज़ को कर दिखाइए। अगर आपने ये सोच लिया कि आप कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। बट अगर आपने ये सोच लिया कि आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए करिए, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे और वो आपको मिलेगी जो आपको नामुमकिन लगती हो। जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में ही छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपके बस की बात नहीं, या ये आपसे होगा ही नहीं, तो आप उसमें ये अपने मन में, उससे आप लड़िए नहीं, कुछ कहिए नहीं, बट आप अपने मन में ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं, कोई और कर सकता है तो वाई नॉट मी, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊँगी। बट अपने मन में इसको दृढ़ निश्चय करके बना लीजिए तो आप करके दिखा सकते हैं। तो इसी को बेस करते हुए मैंने ये डोंट डू इट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पूरा कच्चा टाका लगा के तैयार कर लिया है। अब ऐसे ही आपको जो भी अच्छे कलर्स, आपके फेवरेट कलर्स हो, कॉम्बिनेशन लेते हुए आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसमें रेड पे ब्लू लिया है। अब इसमें हम एक और कलर यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको जो भी कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लगे आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम दोबारा से धागे को निकाल लेंगे और जितना हमने कच्चा टाका लगाया था उसमें हम इधर से उधर क्रॉस करते हुए, क्रॉस इन द सेंस ये नहीं करना है कि एक से दूसरे पे क्रॉस करना है, नहीं, वन साइड से लूप बनाते हुए जाना है जिससे ये देखने में ज़िगज़ैग सा आपको लगे। तो एक साइड से, जैसे दो धागे हैं दोनों के बीच में से मैंने एक तरफ करके निकाला है और फिर
अगली बार दूसरी साइड से निकालना है, फिर पहली साइड से, फिर दूसरी साइड से, ऐसे हल्का सा कर्व आप इसमें देख रहे हैं, बहुत क्लियरली मैंने किया हुआ है जिससे आपको समझ में आया है। पहले एक तरफ से हमने किया और फिर अगली बार दूसरी तरफ से किया, जिससे आपको एक जिगजैक्ट लाइन जैसी दिखती जाएगी। आप ढंग से देखिए तो आपको लग रहा है जैसे डी में एक जिगजैक्ट लाइन बनी हुई है। ये बहुत ही सुंदर स्टिच है, देखने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और जितनी बार आप देखोगे इसके कलर कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आपको पमन एक अलग सा फील देंगे। आप अपने फेवरेट कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए हमने क्रॉस करते हुए हमेशा एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट लिया है। जब राइट से आप सुई निकालोगे तो नेक्स्ट में राइट से ही इंटर करोगे, और जब लेफ्ट से सुई निकालोगे तो उसके नेक्स्ट जो कच्चा टाका है उसमें आप लेफ़्ट से ही लोगे। क्रॉस नहीं करना है, बस वन वन साइड लेते जाना है, जिससे देखने में जिगजैग लाइन लगेगी। अब मैंने इतनी बारीकी से दिखाया तो आप समझ तो गए ही होगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अब कोई और वर्ड या कुछ और आप बनाना चाहें तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के डाल दूँगी। तो ये मैं वो बता रही हूँ जब आपसे कोई कहे कि आपकी बस की बात नहीं, आप नहीं कर सकते हो, और आप बहुत उत्साहित कर दें, आप जो करने जा रहे हो उसके लिए आपका मनोबल तोड़ दे कि नहीं आपके बस की बात नहीं इसलिए तुम रहने ही दो, तो आप उसकी बातों में न जाके अपने आप अपने सेल्फ के लिए इसको बनाइए और घर में इसको रखिए और इसको जाके देखिए और कहिए नहीं आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है, जस्ट डू इट। डोंट डू इट को आप जस्ट डू इट बना के रखिए। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, वन साइड जो हमारा कर्व होते हुए कंप्लीट हो गया है, तो फिर जो वन वन साइड बचा हुआ था, जैसे जहाँ हमने लेफ्ट साइड में धागे निकाले थे उधर से राइट साइड से लिया है, और जहाँ हमने राइट साइड से धागे निकाले थे वहाँ हमने लेफ़्ट साइड से लिया है। जिस कच्चे टाके में लेफ़्ट साइड का कर्व बना था वहाँ हमने राइट का बना दिया है, और जहाँ पे राइट का कर्व बना था वहाँ हमने लेफ़्ट का कर्व बना दिया है। आप देख सकते हो कितनी सिंपल स्टिच है, लेकिन देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुई है, बट जितना लाइन कंप्लीट हुई है वो देखिए कितना अच्छा सा एक अलग सा बोल्ड सा लुक दे रहा है, जैसे बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा गया हो, और एक अलग सा सुंदर सा लुक आ रहा है। और अगर आप इस टाइप के कुछ भी फेयर फ्री या कुछ भी आप बी केयरफुल या गेट वेल सून या इस टाइप का कुछ भी देना चाहो तो आप इस टाइप से आजकल ट्रेंड में है, फ्रेम में आप करके एज अ गिफ्ट उसे आप दे सकते हैं, और वो अपने कमरे में कहीं भी इसको एज अ वॉल हैंगिंग टांग सकते हैं, जो आपकी भी याद उन्हें दिलाएंगे और मोटिवेट भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डोंट डू इट को जस्ट डू इट बनाया है। किसी भी काम के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए जहाँ हमने स्टार्ट किया तो वहीं से हमने इसे बाइंड अप किया है, और इस तरीके से हमारा एक वर्ड एक लेटर ये बन के तैयार हो गया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना अलग सा लुक दे रहा है, और पीछे से आप देखेंगे तो सिर्फ जहाँ से हमने धागा इंटर किया था वही धागा येलो में दिखेगा और कहीं कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरी एम्ब्रॉयडरी ऊपर ऊपर ही है। इसी तरीके से हम ओ को भी कर लेंगे, हमें जितने वर्ड्स इसमें दिखाने हैं हम उतने वर्ड्स को बोल्ड कर लेंगे, बाकी को साइड रहने देंगे। तो देखिए हमने डोंट डू इट में सिर्फ डू डी ओ डू एंड आई टी इट डू इट को हमने प्रोमिनेंट किया है, और बाकी जो दूसरे वाले हैं उनको छोड़ दिया है, उनको हमने नहीं किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या लेके चलना है। तो आप इसको डू इट कर सकते हैं, इसी तरीके से क्रॉस करते हुए स्टिच को निकालते हुए आप कंप्लीट कर लीजिए, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ लोग आपका कितना भी मजाक बनाए लेकिन आप जब कुछ ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। अपना सेल्फ मोटिवेशन तैयार करिए, किसी और की आपको ज़रूरत ही ना हो, और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक इंसान कर सकता है और दूसरा नहीं, बस वो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मन में आप पॉजिटिविटी को जगह दीजिए और ऑलवेज़ पॉजिटिव थिंक करके चलिए, फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। तो इसी तरीके से अगर आप और भी पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वेव्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना के ले आऊँगी। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको अपने घर में आप बना के लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए और भी ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स आप जो चाहें वो लेके आती रहूँगी। बाय बाय।